हाय फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं सूजी से बनाऊंगी एक नाश्ता का रेसिपी। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए भूल मत जाइए। चलिए अभी इसको बनाते हैं। सूजी का मैं एक डो बनाऊंगी। उसके लिए 2 कप वाटर लिया। पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी। मैं यहाँ पे 1 कप सूजी ले लूँगी। 1 कप सूजी अगर लेंगे तो 2 कप उसमें पानी डालना पड़ेगा। सूजी को धीरे धीरे हम लोग डालेंगे, एक साथ पूरी सूजी को नहीं डालेंगे तो उसके अंदर थोड़ा गुठलिया आ जाएगा। सूजी को एक हाथ से डालेंगे और दूसरे हाथ से उसको मिलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम लो करके मैं लगातार सूजी को मिलाते जाऊंगी। देखिए पैन से सूजी ऊपर उठ रहा है तो ये रेडी है। अभी इसको ढक के गैस का फ्लेम बंद करके हम लोग 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अभी इस नाश्ता के अंदर एक स्टफिंग भरेंगे, उसका तैयारी करते हैं। मैं यहाँ पे 2 बॉयल्ड आलू और 1 गाजर लिया, थोड़ा सा कैप्सिकम चिली भी लिया। ये बड़ा वाला जो ग्रेटर में होल होता है उसी में हम ये गाजर को ग्रेट करेंगे। आलू बॉयल लिया और बाकी सब्जी मैं कच्चा लिया, क्योंकि बाकी सब्जी थोड़ा क्रंची टेस्ट अच्छा लगता है, आलू का क्रंची टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आलू को मैंने यहाँ पे 70-80% तक बॉयल करके बाकी सब्जी के साथ अच्छा से कुक कर लिया था। आप चाहो तो आलू को स्किप भी कर सकते हो। आलू थोड़ा बाइंडिंग देता है और इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने आलू यूज़ किया। आप चाहो तो इसमें बेसन डाल के भी पका सकते हो। आलू और गाजर ग्रेट करने के बाद मैं कैप्सिकम को काट कर लूँगी। एक फुल कैप्सिकम का मैं थोड़ा सा पार्ट लेके इसमें यूज़ किया, पूरा कैप्सिकम मैंने यूज़ नहीं किया। ये नाश्ता सुपर टेस्टी एंड यूनिक सा रेसिपी। आपके घर में अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो आप ये रेसिपी झटपट बना के उनको खिला सकते हो। आप अगर अपने घर में कोई पार्टी का प्लान कर रहे हो तो पार्टी में आप ये रेसिपी रख सकते हो। बड़ा यूनिक रेसिपी है ये। सब्जी मेरा पूरा काट हो गया, अभी इसको हम साइड पे रखते हैं। सूजी को मैंने ढक के रखा था, 30 मिनट्स हो गए। अभी सूजी को हम लोग एक दूसरा थाली में डाल लेंगे। सूजी अभी भी थोड़ा सा गर्म है, ये गर्म अवस्था में सूजी को हम लोग मसल मसल के चिकना कर लेंगे। रोटी के लिए आटा जैसे मांगते हैं ना, ऐसे ही अभी सूजी को मैं मांग लूंगी। सूजी को आप जितना अच्छा से माखेंगे उतना ही अच्छा नाश्ता बन के तैयार होगा। देखिए थोड़ी देर माखने के बाद सूजी कितना स्मूथ हो गया। अब मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेके सूजी को और एक बार अच्छा से माख लूंगी। सूजी का डो यहाँ पे एकदम रेडी हो गया। अभी इसको मैं ढक के रख दूंगी। जो सब्जी को मैंने काट करके रखा था उसको अभी पका लेते हैं। मैं यहाँ पे पैन पे 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल लिया। अभी इसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सफ़ेद तिल और थोड़ा सा हींग मिक्स करके अच्छा से भून लूँगी। सारी चीज़ों का जब अच्छा से एक खुशबू आए तब हम इसके अंदर जो ग्रीन चिली काट के रखा था उसको डाल के और एक बार भूनेंगे। अभी एक एक करके सारी सब्जी हम लोग डाल देंगे। जो कच्चा वाला सब्जी था, गाजर कैप्सिकम, इन दोनों को एक बार पहले भूनेंगे। इस स्टेज में हम लोग अभी पूरा स्पाइसेस को एक एक करके डाल दूंगी।
हल्दी एंड लाल मिर्च का पाउडर मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही डाला। धनिया पाउडर मैं हाफ टेबल स्पून डाला, जीरा पाउडर मैंने यूज़ नहीं किया। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डाला। हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे आमचूर मसाला डाला, आप अपने हिसाब से मसाला डाल सकते हो। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। सारे मसाला को अच्छे से एक बार भून लेंगे। अभी बॉयल आलू को हम लोग डाल देंगे और अच्छा से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग यहाँ पे एकदम रेडी हो गया। अभी थोड़ा सा धनिया का पत्ता लेके हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे और एक बार मिला लिया और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। सब्जी एकदम से जब ठंडा हो जाएगा तब मेरे पास एक मोज़रेला चीज क्यूब था, वो मैंने इसके अंदर ग्रेट करके मिक्स कर दिया। ये एकदम ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। सूजी का मैंने जो डो बना के रखा था ना, उसको अभी डिफरेंट शेप देंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा डो लूंगी और इसको बेल लूंगी। सूजी का डो अगर आप लोग अच्छा से मसल मसल के उसको चिकना करेंगे ना, तो ये अच्छा से बेल पाएंगे। मैं एक पूरी का शेप में बेल लिया। इसके अंदर थोड़ा सा स्टफिंग डाल के दोनों मुंह को जॉइन करके एक देखिए अच्छा सा मैंने इसका शेप दे दिया। देखिए सूजी का मैंने पहले दो साइड उठा के उसको चिपका, फिर ऑपोजिट साइड को भी सेम तरीका से यहाँ पे मिडिल पे लाके चिपक दिया और सूजी ऑटोमेटिक चिपक जाता है। इसके लिए आपको पानी लगाना नहीं पड़ेगा या कोई आटे का घोल या मैदे का घोल भी लगाना नहीं पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा शेप बन के रेडी है। चलिए और एक को बना के दिखाते हैं। सेम तरीके से वो पहले जैसे बनाया था ना, वैसे ही मैंने दूसरा और एक को बना लिया। इसे अभी फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मैं वेजिटेबल ऑयल लिया। एकदम हॉट ऑयल में इसको मत डालिए, तो ऊपर से जल जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा। अभी इसको पकने देते हैं, मैं दूसरा और एक शेप बना लेती हूँ। पहले की तरह ही थोड़ा सा ऑयल लेके पूरी जैसा बेल लेंगे। पूरी के अंदर थोड़ा सा स्टफिंग भर के नीचे से फोल्ड करते हुए इसके सारे कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे। सारे फोल्ड की हुई कॉर्नर को मैंने एक साथ पकड़ के प्रेस करा तो ये पूरा चिपक गया और ये भी एक अच्छा सा शेप में आ गया। देखिए कितना इजी है, और एक शेप बन के रेडी करा मैंने। जो बन रहा था अभी चलिए उसको देखते हैं। तेल में डालने के बाद तुरंत इसको मत पलटिए, थोड़ा सा ऑयल लेके इसके ऊपर से आप लोग डालते जाइए। देखिए नीचे से जब पक जाएगा तब इसको पलटिए। नीचे वाला साइड एकदम पक गया। अभी एक फोक और स्पून के मदद से मैं धीरे धीरे सबको पलट दूंगी। एक बैच मेरा रेडी हो गया, इसको उठा के रखते हैं और सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेते हैं।
दूसरा सेब का जो बनाई थी उसको भी एक एक करके पूरा मैं डाल दूंगी। पहले वाला बैच को जैसे फ्राई किया था सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। देखिए पूरा अभी बन के सब रेडी है, अभी इसको प्लेटिंग करते हैं। आप भी ये नाश्ता बना के अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। इसे बनाते हुए अपना जो भी अनुभव है वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इतना अच्छा ये रेसिपी बन के रेडी है, मुझसे तो और नहीं रहा जा रहा है, मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। मैं अभी चलती हूँ, आप लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए। मैं अभी मिलूँगी अपने कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।